गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम करेंगे यूनिट 3 पेज नंबर 19 बेटा। यूनिट 3 के पेज नंबर 19 लार्ज नंबर्स, चैप्टर का नेम है लार्ज नंबर, ठीक है बेटा। उसके ए पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स एंड नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग्स, मींस हमें क्या दिया हुआ, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ इसका, 4, 10, 1000। फर्स्ट पार्ट बेटा मेरे पास है 4, 10,000 मीन्स 10,000 हम लिख सकते हैं बड़े सिंपली बेटा 10,000, ठीक है 10,000 में राइट कर लिया। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, 4, 10,000, फोर मतलब 4 times 10,000 मीन्स इसे क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 times 10,000, तो 4 times 10,000 का मतलब क्या हो गया बेटा, जब हम इसे 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा मेरा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 40,000, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट बॉक्स में हम ये लिखेंगे, सेकंड बॉक्स में क्या लिखा मुझे, नंबर नेम लिखना है, नंबर नेम में हम क्या लिखेंगे 14,000, 40,000, क्लियर बेटा, 4 times 10,000, क्लियर। नेक्स्ट जगह इसके अंदर देखिए बेटा 5, 10,000, 5 ऐसे कैसे मतलब 10,000 को 5 times, 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा बेटा 50,000, ठीक है बेटा। इसके 3 पार्ट्स हैं, बाकी आप कर लेंगे, 4 पार्ट्स फर्स्ट मैंने करवा दिया, सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी आने वाले, ठीक है। इसी के बी पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन नंबर बी, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिविंग नंबर्स नेम्स, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है, टू सिंपल हमने बहुत से किया हुआ। देखिए पहले क्या बेटा, पहले क्या कह रहा है 17,560, देखिए बेटा 17,560, क्लियर। सो सिंपल हम लिख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बड़े 2 पार्ट्स हो रहे हैं, 19,448, क्लियर। थर्ड पार्ट है 27,283, क्लियर। इसके बड़े सी में चलते हैं, सी में क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, राइट द नंबर नेम फॉर द गिवन न्यूमरल्स, जस्ट क्वेश्चन बी का रिवर्स होगा सी बेटा। इसके अंदर क्या दे दिया हमें बेटा जी, हमें यहाँ न्यूमरल्स के रूप में बेटा डिजिट दी है, इसे मुझे नंबर नेम में राइट करना है। देखिए बेटा 37,564, क्लियर। ऐसे में नेक्स्ट को हम क्या लिखेंगे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 50,500, क्लियर। इसके बड़ा बाकी 3 पार्ट्स को आप स्वयं कर सकते हैं, खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा अपना पेज नंबर 21 के बिल्कुल एंड में है बेटा, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत बार कर चुके हैं बेटा अपने प्रीवियस क्लास में, थर्ड में भी कर चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, टोटल प्लेस वैल्यू का सम, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें इस पूरी नंबर्स की तो उनका जब हम सम करेंगे बेटा मेरी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है बेटा, फर्स्ट के अंदर कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 9,092,503, तो सबसे पहले मैं 9 की प्लेस वैल्यू देखूँ, 9
के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस। नेक्स्ट क्या मेरे पास पर 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 2 के पीछे देखिए 1 2 3, तो 3 0 प्लस 5, 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2। नेक्स्ट क्या मेरे पास 0, नेक्स्ट क्या बेटा अकेला 3। क्लियर बेटा, ये मेरे पास है 92,503 की एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मींस इनकी प्लेस वैल्यू को जब मैं आपस में ऐड करता हूँ या इनको सम करता हूँ, वो मेरी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर बेटा, इसके 6 पार्ट हैं, बाकी 5 को आप ट्राई कीजिए। पेज नंबर 22 बेटा, 22 क्वेश्चन नंबर ए, हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, मुझे क्या करना है, इसे राइट करना है शॉर्ट फॉर्म में। तो सिंपल बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म मेरे पास है, प्लेस वैल्यू के अंदर होती है 80,700,650 and 4। मेरा क्या आएगा 8,7,6,5,4। तो सिंपल बेटा, इनकी प्लेस वैल्यू को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूँगा बेटा शॉर्ट फॉर्म में, देखिए क्या आएगा बेटा 8,7,6,5,0। ये मेरी बेटा शॉर्ट फॉर्म होगी फर्स्ट पार्ट के एक्सपेंडेड फॉर्म की। ठीक है बेटा, इसके 9 पार्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, हम कर चुके हैं पहले सेकेंड क्लास के अंदर भी, तो इसे आप बड़े ईजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 23, पेज नंबर 23। ये भी बिल्कुल हमने रिवीजन किया हुआ पहले बहुत ही, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, पुट साइन ग्रेटर और लेस देन इन द बॉक्स। तो यहाँ मुझे देखिए टोटल बेटा 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके बीच में एक बॉक्स है, तो मुझे बताना है इसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, बहुत ईजीली क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं और बहुत ही ईजीली हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी हम करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं बेटा पेज नंबर 24 पे, पार्ट ए, सेम क्वेश्चन है बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इन क्वेश्चन को बड़ी ईजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा, जब 3 डिजिट हैं आपस में, सपोज हमारे पास है कोई 5,656 और दूसरी डिजिट है मेरे पास 6,756, तो हम देखेंगे बेटा एक एक को कंपेरिजन करेंगे। देखें 6 हमारा क्या है, इक्वल, उसके बाद 5 क्या है हमारा, इक्वल। तो यहाँ देखेंगे क्या बेटा, 6 जो है मेरा स्मॉलर है 7 से, इसमें 7 मेरा क्या है, ग्रेटर। ठीक है, अगर 3 डिजिट होती मेरे पास तो मैं इसको ग्रेटर बोल दूंगा, लेकिन अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में बिल्कुल स्टार्टिंग सबसे पहले वाले का ही कंपेरिजन करते हैं, उस कंपेरिजन में देखेंगे जो उनमें से ग्रेटर है वही डिजिट मेरी ग्रेटर होगी। तो 6 ग्रेटर मेरा हमेशा 5 होता है, 6 ग्रेटर 5 है, तो मेरी जो 6,756 वाली बेटा जो टर्म है, जो मेरी ये डिजिट है, ये मेरी ग्रेटर हो जाएगी 5,656 से। अगर ऑलरेडी आपके पास एक 4 डिजिट है और एक 5 डिजिट है, एक 4 डिजिट कोई नंबर है 6599 और एक आपके पास 5 डिजिट नंबर है 1 2 1 2 5 0 0, कोई मेरे पास 6 डिजिट नंबर है एक और कोई मेरे पास 5 डिजिट नंबर है, तो क्लियर है बेटा कि जो 5 डिजिट नंबर है वो ही मेरी ग्रेटर होगी 4 डिजिट नंबर से। क्लियर बेटा, ओके, तो इसी पार्ट को भी हम कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 24 पे, ओके, बाय।